श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 67 बलराम द्वारा द्विविध वानर का वध। यशस्वी राजा परीक्षित ने कहा, मैं अनंत तथा अपार भगवान श्री बलराम के विषय में और आगे सुनना चाहता हूँ, जिनके कार्यकलाप अतीव विस्मयकारी हैं। उन्होंने और क्या किया? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, द्विध नाम का एक वानर था जो नरकासुर का मित्र था। यह शक्तिशाली द्विध मैंद का भाई था और राजा सुग्रीव ने उसे आदेश दिया था। अपने मित्र नरक की मृत्यु का बदला लेने के लिए द्विध वानर ने नगरों, गांवों, खानों तथा ग्वालों की बस्तियों में आग लगाते हुए उन्हें जलाकर पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। एक बार द्विध ने अनेक पर्वतों को उखाड़ लिया और उनका प्रयोग सभी निकटवर्ती राज्यों को, विशेषतया अनर्थ प्रदेश को विध्वंस करने के लिए किया, जहां उसके मित्र को मारने वाले भगवान हरि रहते थे। दूसरे अवसर पर वह समुद्र में घुस गया और 10,000 हाथियों के बल के बराबर अपनी बाहों से उसके पानी को मथ डाला और इस तरह समुद्र तट के भागों को डुबो दिया। उस दुष्ट वानर ने प्रमुख ऋषियों के आश्रमों के वृक्षों को तहस नहस कर डाला और अपने मल मूत्र से यज्ञ की अग्नियों को दूषित कर दिया। जिस तरह भीड़ कीट छोटे छोटे कीड़ों को बंदी बना लेता है, उसी तरह उसने जिठाई करके पुरुषों तथा स्त्रियों को पर्वत की घाटी में गुफाओं के भीतर ढालकर इन गुफाओं को बड़े बड़े शिला खंडों से बंद कर दिया। एक बार जब द्विध निकटवर्ती राज्यों को तंग करने तथा कुलीन स्त्रियों को दूषित करने में इस तरह लगा हुआ था, तो उसने रैवतक पर्वत से आती हुई अत्यंत मधुर गायन की आवाज सुनी। अतः वह वहां जा पहुंचा। वहां उसने यदुओं के स्वामी श्री बलराम को देखा, जो कमल पुष्पों की माला से सुशोभित थे और जिनका हर अंग अत्यंत आकर्षक लग रहा था। वे युवतियों के मध्य गा रहे थे और चूंकि उन्होंने वारुणी मदिरा पी रखी थी, अतएव उनकी आंखें इस तरह घूम रही थी मानो वे नशे में हों। उनका शरीर चमचमा रहा था और वे कामोन्मत्त हाथी की तरह व्यवहार कर रहे थे। वह दुष्ट वानर वृक्ष की शाखा पर चढ़ गया और वृक्षों को हिलाकर तथा चिलकारियां मारते हुए अपनी उपस्थिति जताने लगा। जब बलदेव की प्रेयसियों ने वानर की दिखाई देखी तो वे हंसने लगी। आखिर वे तरुणियां थी जिन्हें हंसी मजाक भाता था और वे चपल थी। बलराम के देखते हुए भी द्विध ने उन तरुणियों को अपनी भौहों से गंदे इशारे करते हुए उनके सामने आकर खड़े होकर और उन्हें अपनी गुदा मल द्वार दिखलाकर अपमानित किया। सर्वश्रेष्ठ योद्धा बलराम ने क्रुद्ध होकर उस पर एक शिला फेंकी, किंतु उस धूर्त वानर ने अपने को उस किला से बचाकर बलराम के शराब के पात्र को उड़ा ले गया।
दुष्ट द्विज ने बलराम की हंसी उड़ाते हुए उन्हें और अधिक क्रुद्ध करके उस पात्र को तोड़ डाला और तरुणियों के वस्त्र खींच कर बलराम को और भी अधिक अपमानित किया। इस तरह मिथ्या गर्व से फूल कर कुप्पा हुआ बलशाली वानर श्री बलराम का अपमान करता रहा। भगवान बलराम ने उस वानर के दीट आचरण को देखा और आसपास के राज्यों में उसके द्वारा उत्पन्न विनाश लीला उपद्रव का विचार किया। इस तरह बलराम ने क्रुद्ध होकर अपने शत्रु का अंत करने का निश्चय करके अपनी गदा तथा अपना हल उठा लिया। बलशाली द्विज भी युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। एक हाथ से साल का वृक्ष उखाड़ कर वह बलराम की ओर दौड़ा और उनके सिर पर उस वृक्ष के तने से प्रहार किया। किंतु भगवान संकर्षण पर्वत की तरह अचल बने रहे और अपने सिर के ऊपर गिरते हुए लट्ठे को यूं ही दबोच लिया। तब उन्होंने द्विज पर अपनी सुनंद गदा से प्रहार किया। खोपड़ी पर भगवान की गदा से चोट खाकर द्विज रक्त की धार बहने से उसी तरह सुशोभित हो रहा था जिस तरह कोई पर्वत गेरू से सुंदर लगने लगता है। उसने घाव की परवाह न करके दूसरा वृक्ष उखाड़ा, बलपूर्वक उसकी पत्तियां विलग की और पुनः भगवान पर प्रहार किया। अब बलराम ने क्रुद्ध होकर वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। इस पर द्विज ने दूसरा वृक्ष हाथ में लिया और फिर से बहुत ही रोष पूर्वक भगवान पर प्रहार किया। भगवान ने इस वृक्ष के भी सैकड़ों खंड कर डाले। इस तरह भगवान से युद्ध करते द्विज जिस भी वृक्ष से भगवान पर प्रहार करता उसके बारंबार विनष्ट हो जाने पर वह चारों ओर से तब तक वृक्ष उखाड़ता रहा जब तक कि जंगल वृक्ष विहीन नहीं हो गया। तत्पश्चात क्रुद्ध वानर ने बलराम पर पत्थरों की वर्षा की, किंतु उस गदाधारी ने उन सबों को चकनाचूर कर डाला। सर्वाधिक शक्तिशाली वानर द्विज अब ताड़ वृक्ष जैसे आकार वाली भुजाओं के सिरे पर मुक्के बांध कर बलराम के समक्ष आया और उनके शरीर पर अपने मुक्के मारे। तत्पश्चात क्रुद्ध यादवेंद्र ने अपनी गदा और हल को एक और फेंक दिया और अपने खाली हाथों से द्विज की हंसली पर जोर का प्रहार किया। वह वानर रक्त वमन करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। हे पुरुषार्दुल, जब वह गिरा तो रेवतक पर्वत अपनी चोटियों तथा वृक्षों समेत हिल उठा मानो समुद्र में वायु द्वारा हिलाई गई कोई नाव हो। स्वर्ग में देवता सिद्धगण तथा मुनिगण निनाद करने लगे। आपकी जय हो, आपको नमस्कार है, बहुत अच्छा हुआ, और भगवान पर फूल बरसाने लगे। सारे संसार में उपद्रव मचाने वाले द्विज को इस तरह मार कर भगवान अपनी राजधानी लौट आए और लोगों ने रास्ते में उनका यशोगान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत बलराम द्वारा द्विज वानर का वध नामक 67वें अध्याय के भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।